नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत करती हूं आपका इस वीडियो में। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या काम होता है, तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। अगर आपको जानना है कि असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या काम होता है तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर का पहला काम होता है फिल्म डायरेक्टर के गाइडलाइन को फॉलो करना। दूसरा काम होता है आर्टिस्ट और क्रियो के हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना। तीसरा काम होता है फिल्म डायरेक्टर के कॉल शीट को तैयार करना और फिल्म डायरेक्टर को अपडेट करना। ये सभी काम एक असिस्टेंट डायरेक्टर का होता है। और जब एक बड़े बजट की फिल्म बन रही होती है तो उसके अंदर एक नहीं कई सारे असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। एक तो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, फिर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर होता है और एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। ये सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को अपडेट करते हैं। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है इन सभी से कोऑर्डिनेट करके फिल्म डायरेक्टर को अपडेट करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या काम होता है। तो आप ऐसे ही मुझसे सवाल कर सकते हैं फिल्म मेकिंग से रिलेटेड। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या क्या काम होता है। और मैं ऐसे ही बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।